संस्था का काम नहीं हो रहा, उन संस्थाओं में आतंकवाद का पाप पैदा कर रहे हैं। आतंकवाद का अड्डा बनी है ये संस्था। हम लोग जो क्षत्रिय समाज के लोग खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं ये एमयू जैसी जितनी संस्थाएं देश में हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से ताला डाल देना चाहिए। आतंकी संगठनों का स्वागत, माताएं बहनों के पेट चीर दिए जाएंगे, उस पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आतंकी संगठनों का स्वागत करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा भाषण इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। बहुत भैया ऐसे भी हैं जो बोलने से नहीं बोल पाए, लोग उठ गए थे, हालांकि अभी आप पीछे को मुड़ के देखो सब साइलेंट बैठे हैं, सारी कुर्सी भर के सब साइलेंट बैठ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं नई दिक्कत समझिए साहब, आप जो नहीं समझ रहे वो समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि दलपत सिंह, राजा दलपत सिंह ने क्या किया, आपने वियतनाम का युद्ध भी नहीं भूलना चाहिए। वियतनाम का युद्ध भी जब वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया कि ये युद्ध आप कैसे जीते, तो उन्होंने कहा कि हम महाराणा प्रताप की युद्ध शैली से, गुरिल्ला युद्ध से इस युद्ध को जीते। आप जानते हैं कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष की जब डेथ हुई तो उनकी कब्र पर महाराणा प्रताप का नाम लिखा गया, आप भी जानते हैं। मैं लोग कहते हैं, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, जो लोग जोहर सही ठहराते हैं वो लोग आज इजराइल को देख लें, और जो लोग यहां हमास के समर्थन में बोल रहे हैं, समझाना चाहता हूं वे भी अपना रास्ता बनना हो, वो भी अपना रास्ता नाप ले। मन आए पाकिस्तान चले जाए, और मन आए तो हमास के आतंकवादियों के साथ चले जाए, लेकिन हिंदुस्तान में कभी भी नहीं होने दी जाएगी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सोच के देखिए, अब से 9 साल 10 साल पहले जब मनमोहन सरकार हुआ करती थी, पूरे देश में बम फोड़े जाया करते थे, पूरे देश में बम फोड़े जाते थे, इजराइल की तरह बम फूटते। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में भी हमास के लोग यहां बम फोड़ रहे होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नल डाक ने कहा, उनकी किताब में लिखा कि इतिहास से अगर राजपूतों का नाम निकाल दिया जाए, इतिहास निकाल दिया जाए, तो इतिहास दो पन्नों का बचता है, इतिहास नहीं बचता, इतिहास आपसे है, और आपको अगर इतिहास से निकाल दिया गया तो इतिहास नहीं बचता। कुर्बानी दी हमारी माता और बहनों ने, जोहर किया, हम बुगलों के खिलाफ लड़े हैं, हम अपने देश के लिए लड़े हैं, हम कारगिल युद्ध लड़े हैं। जब कारगिल युद्ध लड़ा जा रहा था, आपकी राजपूत राइफल के जवान आगे सीना ठोक कर लड़ रहे थे, भूलना नहीं चाहिए ये सारी बात। आप संगठित रहे ये जरूर है, अभी कुछ लोगों ने कहा गद्दार गद्दारी करते हैं, मैं ये नहीं कहता गद्दार गद्दारी करते, जिनका काम गद्दारी है जिंदगी भर गद्दारी करेंगे, लेकिन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना आपका काम है, वो आप देकर भी गद्दार गद्दारी करते रहे, मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे, जब समय आए मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इतिहास के लिए अगर बोलूंगा तो बहुत देर बोलता होगा, आपने देखा होगा कि आज एक नई लड़ाई हम लोगों को लड़ाने के लिए करी जा रही है। आज इतिहास लोग खुद लिखने लगे हैं, ये राजपूत समाज वो समाज है जो सभी जाति बिरादरियों को अपने साथ जोड़कर चला है, उसमें चाहे हमारे गुर्जर भाई हो या कोई दूसरी जातियां हो, हम सब इकट्ठा रहा करते थे, लेकिन आज अचानक ऐसी कौन सी बात हुई कि हम आपस में लड़ने लगे, हम आपस में लड़ रहे क्यों लड़ रहे हैं? बहुत लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दोस्तों इसकी भी जांच होनी चाहिए। फंडिंग के तहत हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जिससे लड़ाकर दूसरे लोगों को मौका मिले ये लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं कहता
मैं कहता हूं, मैं सरकार से कहता हूं, उनसे भी दूंगा कि इतिहासकारों की कमेटी बननी चाहिए। इतिहासकारों का एक कमेटी बने, आयोग बने, और वो कमेटी और आयोग बने, जो वो निर्णय ले वो निर्णय हम सबको मान्य होना चाहिए। इतिहासकार जैसा कहे वो हम सबको मान्य होना चाहिए, ना कि छुट गई नेता केवल जातियों के नाम पर राजनीति करते रहे, उनकी राजनीति खत्म होनी चाहिए। पूरे देश के लोग एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।